बेहतर वीडियो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप अपने बालों को किस तरीके से लंबा घना मोटा मजबूत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लंबे बाल तो हर किसी की चाहत है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने बालों की ठीक से केयर नहीं कर पाती हैं। वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हैं, इसी वजह से उनके बाल टूटने झड़ने लगते हैं, उनके बालों में डैंड्रफ बढ़ जाता है एंड बाल भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो इसी के कारण आज मैं आपके लिए ये नुस्खा लेकर आई हूँ। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा और आपके बाल भी इससे सुंदर, चमकदार, मोटे, लंबे, घने और मजबूत बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक ए क्लीन बाउल एंड फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप यहाँ पे कोई भी एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल का यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और इससे आपके बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है और ये आपके बालों में से हेयर लॉस की समस्या को भी दूर करता है। तो सबसे पहले आप अपने बालों के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज कीजिए। तो हम एलोवेरा जेल को सबसे पहले निकाल लेते हैं इस बाउल में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल इस बाउल के अंदर निकाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैश हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। फ्रेंड्स, नींबू का रस आपके बालों की सफाई करता है, ये आपके झाड़ू जैसे बालों को बिल्कुल सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही आपके बालों में से डैंड्रफ को भी दूर करता है। थर्ड एंड लास्ट चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों में चमक लाता है और ये आपके बालों की लंबाई बढ़ाता है, ये आपके बालों के अंदर से सफाई करता है और बालों को बिल्कुल क्लीन, सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार बनाता है। तो हमें यहाँ पे 1 चम्मच इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड करना है। और अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल रेडी। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है अपने बालों में। फ्रेंड्स, आपको इसे लेना है और अपने बालों के स्केल्प में आप अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए। अच्छे से आप पहले इसको अपने स्केल्प में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसको अपने पूरे बालों में भी अप्लाई कर लीजिए और आप अपने स्केल्प में इसकी मसाज भी कीजिए 5 मिनट तक अच्छे से। और अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसको अपने बालों में आधे घंटे के लिए लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, इसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है अपने बालों में। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है आपके बालों के लिए। एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको इसे 1 वीक तक जरूर यूज करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।